कई लोग कहते महाराज जी हम तो भजन करना चाहते लेकिन हमारी घरवाई विचित्र है। भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम्हारी घरवाई विचित्र है, मतलब अगर किसी को बुरी लुगाई मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ंकू मिले कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा मानना कि भगवान ये चाहते हैं कि तुम लुगाई के चक्कर में पड़ो ही मत, पड़ो तो हमारे चक्कर में पड़ो। हाँ, ये जिंदगी जीने का ढंग है। संत श्री तुकाराम जी एक ऐसे संत हुए, संत श्री तुकाराम जी, इनकी पत्नी इतनी खतरनाक, तुकाराम जी सत्संग करते थे, पत्नी प्रवचन सुनाती थी गाली। एक बार ये संतों के साथ बैठे थे, वो घड़ा भर कर आई तो वो उसका दिमाग खराब हो गया, जब देखो तब सुबह से शाम तक सत्संग, उसने लिया जो घड़ा फोड़ दिया मूड़ पे, पूरा पानी गिर गया। संतों ने कहा तुम्हारी पत्नी बड़ी विचित्र है, बोले क्यों, देखो पूरा तुमको भिंगा गई, घड़ा फोड़ गई खपाड़ पे। अरे बोले हमारी पत्नी हमसे ज्यादा समझदार है, सुबह से हमने स्नान नहीं किया, वो नहा करके चली गई है, स्नान करवा गई। तो अगर पत्नी विचित्र भी हो, देखो जिंदगी जीने का ढंग है। कोई व्यक्ति सकारात्मकता में भी नकारात्मकता खोज लेता है, और कई लोग ऐसे होते हैं नकारात्मकता में भी सकारात्मकता खोज लेते हैं। जो बुरे समय में भी हंसी के दिन खोज ले, उसी का नाम तो बढ़िया इंसान है। हाँ, वही तो इंसान है। जैसे तुकाराम जी, एक बार पत्नी ने कहा गन्ना खाना है, तो तुकाराम जी बोले हम ला रहे। अब गन्ना लेने 10 बजे सुबह निकले, शाम के आए 6 बजे, सत्संग में फंस गए वहीं गन्ना के खेत में, हरवाहा मिल गया, उसी से लगे सत्संग भगवान की कथा करने। शाम को 8-10 गन्ना की पोटली बनाई, चल पड़े रास्ते में, आहाहा, रास्ते में हम बहुत से छोटे छोटे बच्चा मिल गए, बाबा हमको गन्ना दीजिए, बाबा हमको गन्ना दीजिए, बाबा हमको गन्ना दीजिए। इनने लाए जो सब गन्ना बांट दे, सब बांट दे, एक बचो गन्ना, जानते हो ना ईख, एक गन्ना बचा। शाम के समय पत्नी तो एकदम लाल बैठी थी, आग बबूला, तुकाराम जी की पत्नी लाल, दिन भर हो गया गन्ना लेकर अभी तक नहीं आए। 6 बजे जब वो आए, अबे तक आए कहां बने रहे, तुकाराम जी बोले कुछ नहीं, फंस गए कुछ लोगों में सत्संग में, दिन भर सत्संग, गन्ना कहाँ है। बोले गन्ना लाए तो बहुत थे लेकिन एक बचा, सब भट गए। अब तो और जो क्रोध 30 डिग्री को हतो सीधो 100 डिग्री को होगा, हाथ से गन्ना छुड़ाओ उन्हें 8-10 फटकारे तुकाराम जी के। और जैसे ही 8-10 गन्ना मारे तो गन्ना में होती है गांठ, तो गन्ना था एक, एक के टुकड़ा मारत मारा तो हो गए 2। तुकाराम जी इतने बड़े ज्ञानी, दोनों गन्ना के टुकड़ा उठाए, बोले कुछ भी कहो तू है बड़ी बुद्धिमान, पहले गन्ना एक था हम लोग 2 थे, एक गन्ना को 2 लोग कैसे खा पाते, तू बड़ी समझदार है, गन्ना को तोड़कर 1 के 2 कर दिए, 1 तू ले 1 हम लेते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। तो जिंदगी जीने का ढंग है, बुरा मत मानना मेरे पागलो। अपनी जिंदगी में एक बात तुम नोट कर लो, बहुत आगे बढ़ना है तुम्हें जिंदगी में, स्ट्रेस से मुक्त होना है, तनाव से मुक्त होना है, डिप्रेशन से दूर होना है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ज्यादातर लोग डिप्रेशन से बहुत परेशान रहते हैं, आज की कथा तुम्हारे लिए बहुत काम की है मेरे पागलो। अपनी जिंदगी में तुम जहां हो उसी में हंसी खोजना प्रारंभ कर दो, उसी में अच्छा देखना प्रारंभ कर दो, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं रहोगे।